फोन कर देना ट्रेन में बैठ के, ठीक है? चलो बाय। अरे आपका रूट थोड़ी आंटी है। ओ भैया पापा का टाइम हो चुका है जाने का, निकालो सामान। वो भैया कह रहे हैं मैं देख लूंगा गाड़ी, अगर जाना है तो चले जाओ, पर मैंने कहा नहीं, ये एरिया वैसे सही नहीं है ना, दो ही तो बैग है, वो ले जाएंगे भैया खुद ही। हैं? ना ना ले जाओ, हाँ हाँ मैं डायरेक्ट चला जाऊंगा, बाय। ध्यान से जाना ऊपर, फोन कर देना ट्रेन में बैठ के, ठीक है? चलो बाय। और मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम में, बिकॉज सुबह से मैं घर से बाहर नहीं थी, मैं होम सिक हो चुकी हूँ शायद। सुबह से घर में बनती है, शाम में जाके गई ईशा और स्वाति के साथ डोनट, डोनट क्या डोनट, डीबी डीबी गए थे हम लोग, डोनट बेकरी। आज है हमारा फिर से प्लान, कल बैडमिंटन का प्लान था, बट आई डोंट नो इन तीनों में से किसने कैंसिल किया। मैंने मना नहीं करा, मैंने कहा था कि मैं जा रही हूँ ऊपर, तुम खाना बना रहा था तुम्हें, अभी तुमने खुद बता दो, विशाल ने मना करवाया, विशाल भी मना किया था, तुमने भी मना किया। आज हमारा बैडमिंटन का एक और मैच और पैसों का रखना है आज, ठीक है? ऐसे तो रात को तो मुझे दिखता नहीं, मैं कैसे जीतूंगी? क्यों नहीं दिख रहा स्टार, तुम तुम्हारा फर्ज बनता है, अपनी बीवी का इलाज करवाओ। अरे लेंगे यार, चश्मा लूंगा इसके लिए, वो वाला क्या बोलते हैं उसको। अरे एक बार स्टोरी डाली थी याद है, कल देखी थी? नहीं, एक वो तुमने देखी नहीं वो स्टोरी डालते टाइम? एक स्टोरी डाली थी कि मैंने चश्मा ले लिया, मुझे दूर से हिमालय तक दिखेगा, वो स्टोरी मेरे वायरल चली गई, समझ ही नहीं आया मेरे को भी नहीं आया। मतलब चश्मा ऐसा लिया कि बहुत दूर तक दिखेगा। तो जो भी है पैसे वैसे को देखेंगे कैसा मैच खेलना है, बट फिलहाल बैडमिंटन खेलेंगे, मजे में खेलेंगे, ठीक है? दिन में खेलेंगे पैसों वाला। दिन में तुम्हें दिख रहा कितनी गर्मी है ईशा इस टाइम पे, मैं भी खेलूंगी भाई, मेरे को भी बुलाना, क्रिकेट खेलने चले, चलो मेरे को क्रिकेट भी आता है। फिर आज तो जा नहीं सकते, उसके लिए पहले से बुकिंग होती है, इसको पता है स्टार को गया है, खेलने मेरे को भी बुलाना। चलो ठीक है, आज स्वाति भी खेलेगी, ईशा सुधर जाओ, स्टार वगैरह किस दिन बहुत गुस्सा आ जाएगा, वो हंसी भला में ना कुछ बोलता नहीं है, मतलब अंदर ही अंदर गुस्से में रहता है बेटा, बहुत गुस्सा आता है मुझे क्योंकि मैं थोड़ा सिक्योर अनसिक्योर फील करता हूं, इनसिक्योर इनसिक्योर, बट ईशा नहीं भगेगी कभी, मेरे को पता है ईशा नहीं भगेगी, ईशा भगने वालों में से है नहीं, तुम्हें भगा देगी पर खुद नहीं भगेगी, अच्छी लड़की है ये। चलो देखते हैं भाई, अभी कुछ आइडिया बताने वाले थे। हेलो चुपचाप रह, क्या कर रही है? मतलब कैसे मजे लेती है? अरे वो तो वैसे समझदार, उसको पता नहीं इसको कोई बांध दो यार, ये इस घर का सबसे शत। और तुम्हारा फोन स्टार्ट, अब तुम हंस दोगी तो समझ जाएगा ना, स्थिर रहती है, बिजी जा रहा है, दोबारा करो अब हो जाएगा, नहीं करता वो बैक कॉल चेक, क्या पता मुझे कर दे। हाँ वो बैक कॉल बहुत रेयर करता है, चलो देखते हैं 5 मिनट पहले, वैसे तो नहीं करेगा, इतने जल्दी दिखेगा नहीं ना उसे कॉल आ रहा है, वो पीछे टूट टूट हो जाता है। ओ क्या पता वो किसी जान से बात करो, मानिया नहीं बोलता। इसको देखिए, ये इस घर का मालिक है, कैसे ये देख, हाय मंगल, सब घर के मालिक हैं। नहीं आया ईशा बेबी बैक कॉल, क्या भाई अर्जेंट बात चल रही हो, छोड़ो बैक कॉल आ गया विशाल का। तो गाइस देखो बैक कॉल आ गया। हेलो हाँ जी ईशा, कहाँ पे हो? मैं सुभाष नगर, वहाँ क्या कर रहे हो तुम? हैं वहाँ पे क्या कर रहे हो? आ रहा हूँ मैं तो रास्ते में था, बोलो। अच्छा बोलो कहाँ पे हो हनी? अरे यार क्या तुम ब्लॉग के चक्कर में ना। अरे यार तू हंस क्यों रहा है, शर्मा क्यों रहा है? ये इधर ओ स्पीकर बंद कर दिया, वाह 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 वा। है ना हनी तुम सुभाष नगर घूम रहे हो, बताओ मेरे घर के बाहर। हाँ जी हाँ जी, इसकी आवाज से बज रहा है, हंस रहा है वहाँ पर, शर्मा कर रहा है वो, ब्रश नहीं ब्लश। हाँ हाँ ब्रश। अरे ये देख रहे हो तुमने मुझे बैक कॉल करती है, आयुषी कहती बैक कॉल नहीं करता वो किसी को। अरे मुझे लगा कुछ काम वाम होगा, कल वैसे ही गाड़ी से निकाल दिया था। अब मुझे ऐसा लग रहा है किस दिन मेरा सीरियस हो गया, मुझे मेरे पास नहीं आएगा फोन, नहीं उठाएगा मेरा। मुझे भी यही लग रहा है, कम करना पड़ेगा। चलो ठीक है,
बिजी है वो। तो भाई उस दिन के बाद आज फिर होने वाला एक बैडमिंटन मैच मेरे स्टार बॉय के बीच में हार मान ली इसने। और ये तो ये ट्रेनिंग लेके आई है, ये देखो ले भाई। और अभी स्वाति और ईशा भी आ रहे हैं, देखो 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 जीतने के बाद ऐसे करेगी, देखो सेम वही रहेगा तरीका, जीतने के बाद क्या करना है हारने वाले को एक बार बता दे। और जीतने वाले को मैं बता दूं, जीतूंगी मैं, तुम्हें को पता है। हारने वाले को वो करना है, हारने वाले को बता दे। आज आज तुम्हें दिखेगा ईशा सब कुछ, मैं और स्टार वॉर्स स्टार्ट करेंगे, पिछली बार तुमने करा। अबे कर लो, हारना तुम सबने ही है, फिर भी यार क्या हो गया तुम्हें, पता है यार मैं कितना अच्छा खेलता हूँ। अरे मेरा है, उसके लिए कुर्बान नहीं कर सकता तू। अरे भाई तुम दोनों खेलोगे, मैंने तुम्हारे लिए कुर्बान कर रखा पता है तुम्हें। या मेड फॉर हर, एक और प्लेयर है। तो भाई ईशा के लिए मैंने फर्स्ट चांस कुर्बान कर दिया। अच्छा ले लूं? अबे देखो ये हारने हारने वाली है, तू भी हारेगा, ये भी हारेगी और वो भी हारेगी और ये भी हारेगी। अभी अभी रुक जाओ, तुम गेम देखना ना, अभी रुक जाओ। चलो मुकाबला शुरू होते हुए स्टार हारने वाले हो, क्या करना है? चलो भाई चलो चलो चलो, आज तो स्टार भी जोश में लग रहा है। टॉनिक ले रखी है। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट पूरी जान लगा दी भाई बंदे ने। ओए पर इस बार गलत मारने का भी पॉइंट रखते हैं, जो कोने में मारेगा नहीं नहीं ऐसे सब हार भाई, वो हार जाएंगे तो सारे। कि तुम्हें पता है तुम्हें खेलना नहीं आता, थोड़ा फर्क पड़ता है, यही होगा। क्यों तुम तो खिलाड़ी हो, अब क्या हो गया? हारता हुआ यहाँ पे चार पॉइंट हो चुके हैं इसके। ए ए हार गया जो जो जीतने वाला होगा ना वो ये जो उसने करा था वो करेगा, और जो हारने वाला होगा वो स्टार बॉय वाला है, ठीक है? ये रूल है हमारे गेम का। अरे मेरी बारी नहीं आएगी क्या? स्टार बॉय ने पटनी को दे दिया। हेलो हेलो हेलो, वो जीत गई ना तो उसका टर्न था ना, फैमिली फैमिली हो रही है। इसके बाद इसकी बारी आ जाएगी, फिर मैं तो रह गया। तो यहाँ पे परी कोने में नहीं मारा उसने, कोने में कोने के पॉइंट्स नहीं है भाई, गलत 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 गलत, कोने के पॉइंट्स नहीं है। बाकी ईशा के 3 हैं और इसके 0। चल भाई 4। क्या समझू, ट्रेनिंग करके आई है कुछ, सबको हरा रही है। अबे ये क्या है, ये देखो हो गया। हाँ ठीक है मान लो एक हो गया। चलो कितना खुश हो रहा है, एक हो गया तो मेरा बेटा, तू जीत रही है ना, वो उससे ज्यादा खुश हो रही है, एक पॉइंट तो कराया मैंने। 5 जाओ जाओ स्वाति भाई भाई, वो स्टेप तो करना पड़ेगा। नहीं ये तो जीतने वाला, ये तो हारी हो तुम हारी हो, डिस्क्वालीफाई। ये प्लेयर नहीं चाहिए हमें, ये प्लेयर नहीं चाहिए, लाओ दो। मेरी बारी आ गई भाई, ऐसे स्टार पर करके बताएगा, स्टार कर दे, कर दो। बहुत बढ़िया भाई वाह। सो मैं लगातार स्टार और ईशा के साथ दोनों मैच जीती हूँ, मेरे साथ अभी चुचुंदर भी खेलेगा। वैसे मैं चुचुंदर के साथ खेलती नहीं हूँ, बट इसको अच्छा फील हो इसलिए खेल रही हूँ उसके साथ। मैं हार गई मैदान में आ रहे हैं इससे, मेरे से तू जिंदगी भर हारेगी, ठीक है? कोई नहीं कोई नहीं, चल अभी रुक जा। मेन खिलाड़ी आ चुका है, ये लड़की स्वाति नाम है इसका, ये भ्रम तोड़ेगी इस। किस दोनों का? हम दोनों का मैच होगा। नहीं 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 नहीं, वो टर्न बाय टर्न चलेगा। स्वाति का तुम्हारा नंबर है ना, जहाँ स्वाति में जोश लग रहा है। अरे चल आगे बढ़, बकवास कम कर, जब से बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है खेल रहा नहीं, वैसे ही पहन के आया मैच वाला। चल ये बुल्ली इससे मेरा भ्रम तोड़ दिया, पहला पॉइंट हो गया। मैंने तो स्वाति में पैसे लगाए थे, सारे डूब गए।
इसका मैच तो एक मिनट भी नहीं टिकवाया. रूल्स आर रूल्स. इसका कॉन्फिडेंस तोड़ना है मेरे को. स्वाति एक और मौका दे दो ना. हाँ चलो ठीक है आराम से मारो. पांच गॉश कर लो कर लो. हल्का सा. अच्छा सॉरी गाइस. तुम हरा दोगे इसको. हरा दो तुम. मेरे को तुम्हारे साथ खेलना है. ये तो बहुत चीटिंग करता है पता है. जान के ना तेज मारता है. ये देखो ले आउट. गेम से बाहर निकल. भाई पांच हो गए इसके. अच्छा तीन हो गए. तीन हो गए ना तेरे. चार हो गए. चार. अच्छा पहला इसमें. इसमें पहला जुड़ रहा हूँ मैं. कैसे कुदक. ओ मैं तो सोची तुम इतने कॉन्फिडेंस से गई थी कुछ हो जाएगा. अरे एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड. तुम हारे हो ना. नहीं चलो डू करो करो. नहीं एक लो फिर गेम्स आउट हो जाओगे. स्वाति आउट हो जाओगे गेम से. वो बैक जाओ अभी करे. ओ स्टार लटका दी भैया. स्टार निकालो उसको. अब चप्पल भी अटकेगी. वो तार के बीचों बीच फंस रखी है. ये पता है वो अटक गई. अटाएगी आएगी पर कंड ना लग जाए. वो अटक गई. आगे आगे विशाल मैं तो स्टार. विशाल गोदी में उठा लो. विशाल उसे निकाल दे. उधर की तरफ मारो भाई. अब अरे गोदी में उठा लो यार. अरे अरे क्या है भैया. ये चप्पल से क्यों मारेगा. तू बोर्ड गिरा दे. अरे गोदी में उठा लेना इसको. नहीं नहीं पहुंच पाएंगे. ये तो अरे आपका रोड तोड़िए आंटी. है शोर नहीं मचाएंगे. ठीक है आंटी. कह रही घर के अंदर बैडमिंटन खेल दो. मैंने कहा आंटी घर के अंदर बैडमिंटन कौन खेलता है. शोर नहीं आएगा आपके घर पे. अरे भाई अपने घर के आगे खेल रहे हैं. अरे अपने घर के आगे खेल रहे हैं भाई. क्या हो गया ये. लाओ मत. टट्टी कर रहा कहां. घर कहां है उसका. वो चिल्ला जा रहा है वो. अरे तो आप चिल्ला नहीं रहे ना. हम लोग बोल दिया ना आपको. कोई नहीं. अरे तो चिल्ला नहीं रहे. मना कर तो दिया आपको. अरे चिल्ला नहीं रहे. हम लोग मना कर रहे हैं. जब किसी को पब्लिक है थोड़ी भगा. नहीं आएगी आपको. सो जाओ आप. हाँ खेलने का टाइम हमारा. मैं बोल रहा हूँ आपको आवाज नहीं आएगी. अरे तुम खेलो ना. मैच चले तुम्हारा. तीन और दो हो गए ना. एक बार बताओ कोई बात. गेट के आगे जाना. अपने गेट तो अलग गेट है. यहाँ तक जाओ ना. ऊपर की जाएगी आवाज. आगे जा रहे आंटी. ये कोई बदतमीजी मत करिए आप. हम हमारा पब्लिक रोड है. आप थोड़ी बोल सकते हो यहाँ मत खेलो वहाँ मत खेलो. आंटी नौ में अब नहीं आएगा. बोल तो दिया. अब आंटी अब बोल तो नहीं कि अब आवाज दिएगी. खत्म बात. खेलने दो थोड़ी क्या. आपको बोल रहे हम लोग नहीं खेलेंगे. सो जाओ. अब आवाज नहीं आएगी आंटी. आप अपना अरे समझ गया मैं. आपको आवाज नहीं आएगी. बोल दिया ना आपको हमने. आवाज नहीं आएगी. आप सो जाओ. आवाज नहीं आएगी. आवाज नहीं करेंगे हम लोग. आंटी गैलरी में सो रही है क्यों. आंटी गैलरी में भी आवाज आ गई. खेलो खेलो. कितना हुआ था. अरे पर हमारा घर तो इधर है. चलो ठीक है बस से भाई. भैया एटलीस्ट यहाँ तक तो आ जाओ. इस लाइन के बाहर वहां दे रहा भी तो. फोन भी तो रखे हैं. वाह वाह वाह. वहां तक भग गए. फोन ऐसे बिछा रखे तीनों. यहाँ पर चार पॉइंट ने कर दिखाया. विशाल के फोन है. स्टार का थ्री पॉइंट है. विशाल को बस एक पॉइंट से ज्यादा दो. स्टार आउट. फाइव. चलिए करिए जल्दी से. एक एक घंटे पहले पहले स्टार पहले जीतने वाला करेगा. परे फेयर नहीं था. अच्छा प्लीज तूने सेम हरकत मेरे साथ करी है. ईशा ईशा तुम्हारी है भाई. नहीं इसकी है. पहले तो अच्छा. हाँ मेरी बारी. मेरा और स्टार का मैच है. अब जो हारेगा वो तुम्हारी है. थ्री स्टार बॉय के और टू उसके. चल oh.
ये क्या शॉट है, ये क्या शॉट है भाई, चुका है ये। अभी दोनों आपस में क्रैश हो जाते। ईशा की बारी है, ईशा आ जाओ, फिर तू मेरे से ही हारेगी बेटा। ईशा आ जाओ, ईशा वापस वहां लेके जा रही है जहाँ आंटी ने टोका था, क्योंकि इसको दिखता नहीं है। आंटी भी पेशेंट है, क्या करूँ, ये भी पेशेंट है, दिखता नहीं है इसे। चल रहा है, चलो भाई, और टक्कर से इससे हारी हूँ, ठीक है। अब स्टार बॉय इसको हरा सकता है, बट ये जो हमारे यहाँ का जो तारों का शहर है ना, ये वाली तारों का, इसने बहुत दुखी कर रहा था। चक्कर आउट, आउट कुछ भी चीटिंग। विशाल के 1 है, स्टार की 0 है। गो, अब तुझे पकड़ लिया ना, तू है सच में। स्टार 3 पे है, विशाल 2 पे है। मेरे को लगा स्टार जीतेगा, बट अब क्यों नहीं मानेगा, मेरे तो मान गया है ये। टू पे 3-2 भाई, इसको कोई नहीं मान रहा भाई, चिल मारो स्टार, तुम जीत सकते हो अभी। ये सही था, अब ये खेल सकता था, मार सकता था। चल मेरे को मारेगा, विशाल 3 नहीं मान जाएगा तो, सही में यार तुम मजाक मत करो, ठीक है, हमें को भी खेलना है, तुम नहीं खेलना है सिर्फ। और 4 हो गया, 2-4 हुआ। लो कैमरा में साफ कैप्चर हुआ। चलो भाई स्टार, स्टार मेरे को मत मान। स्टार यार, चक के 4 पॉइंट्स हैं और विशाल के 3 हैं। बोनस भी खेल रहे हो, तुम्हारी किस्मत भी नहीं है बोनस मैच। तो आते ही काम, ईशा फिर से हार गई, स्टार बॉय ईशा फिर से हार गई। हाँ देख ले, धीरे धीरे वाला खेल रही है मेरे साथ, आउट हो गया। मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे वाला खेल रही है मेरे साथ। ओके खेला, चाल और ईशा खेल रहे हैं और इनकी अच्छी ताल में बैठे तो उसको जेलसी हो रही है। वो अच्छा खेले तभी पॉइंट बढ़वा रहे हैं। नौ गए, ले तीन हो गए ना, आउट हो गए, डिस्क्वालीफाई कर दो। ले ले ले, इसके 3 हो गए विशाल के, 4 और 3। लड़की वड़की सब ठीक है, हार नहीं बर्दाश्त करूंगा, फिर हारता हूं, रुक जाओ। तो यार सुबह मतलब कल रात को बैडमिंटन वगैरह खेलने के बाद अगले दिन मतलब घर जाके मैं सो गई, सभी सो गए होंगे। अब जाके मैं बाहर आई हूँ घर से, मैं सुबह से घर के अंदर ही हूँ। मैंने विशाल को मतलब बहुत दफ़ा बोला कि चलते हैं बाहर, तो वो भी कंफ्यूज रहा था कि जाएगा जाएगा, उसके भी बात ठीक है कि जाएगा, कहाँ ही जाए बंदा भाई। डी डी ना अभी मैंने जस्ट ना वो कराई है, अपर लिप थोड़ा लाल हो गया। मेरे पास लग रहा है कि ना मेरी दिमागी हालत है ना, जोक सब आट वो ठीक नहीं है। मतलब आप सब में से हर कोई ना कोई एक ऐसे लाइफ के स्टेज पर आ रहा है जब उसको कुछ समझ नहीं आता, चल जा रहा है। मैं इतना ज़्यादा ओवर थिंक करने लगी हूँ चीज़ें, छोटी से छोटी चीज़ इतनी ओवर थिंक करती हूँ, मेरा सर ना फट जाता है सोच सोच के। ऐसा हो जाता है कि भाई गंदे वाला मेरे को सर दर्द होने लग जाता है जब मैं इतना ज़्यादा ओवर थिंक करती हूँ। ऐसा लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है मेरी लाइफ में, और जिन्होंने कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरी लाइफ में चल जा रहा है। घर मेरी और मम्मी की तबीयत भी ख़राब है, मेरी खुद की पर्सनल लाइफ बर्बाद है, समझ नहीं आ रहा, मतलब बहुत सारी दिक्कतें हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है सारी के ऊपर। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं ना समझ नहीं आ रहा। मतलब मेरे को ना, मैं कभी सोचती हूँ कि भाई बाहर चले जाऊँ एक हफ्ते के लिए, पर फिर मैं सोचती हूँ कि पैसा बर्बाद हो जाएगा अननेसेसरी, बाहर जाऊँगी इतना तो पैसा है भी नहीं इतना कि एक बहुत मस्त ट्रिप मार के आ जाए। अब तो पासपोर्ट मेरा बन चुका है, बट उस पासपोर्ट का भी कोई भी फ़ायदा नहीं है कि बाहर बहुत महंगा है हिसाब किताब अभी, और मतलब
मैं सोच, मतलब मेरा ऐसा है कि ना मैं बाहर जाऊंगी, मस्त घूमूंगी, और पर मतलब पहले मेरे कुछ है ऐसे काम, पहले सब कुछ सारे काम फिनिश करके फिर अच्छा होगा ये लाइफ, ऐसा मेरे को लगता है. यार मेरा क्या चल रहा है अभी, मेरे को समझ आया मैंने क्या बोला, ये मेरे को कुछ नहीं पता क्या, सारे काम फिनिश करके कुछ अच्छा होगा तो नहीं इन बातों का, बट चल रही है लाइफ बस जैसे चल रही है. साल ये साल जो है ना 2024 मेरे को लग रहा है मेरे लिए मेरा साल नहीं है. तो साल शुरू हुआ है ना, मैं खुश नहीं हूँ भाई बिल्कुल भी ना. एक होता ना जेन्युइनली दिल से खुश होना, वो बिल्कुल भी नहीं है. दिक्कत है और शायद मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो मतलब बात करें तो अच्छा दीदी ने गाना ही बन कर चक्कर में अच्छा हो जाएगा यार सब. बहुत लोग हैं जो शायद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सेम फील कर रहे होंगे मेरे जैसा एकदम. फिलहाल तो मैं यहीं आई हूँ अपनी जगह पे डीबी में, अकेली आई हूँ अभी. शायद विशाल अभी आएगा, बोला तो था उसने कि पैर धो के आ रहा हूँ, ये बात बोली थी. रंगे हाँ तो पकड़ी गई है कहीं से फ़ोन पे बात करते हुए. देखो मैं आया था, इसने बुलाया था मेरे को खुद ही. किससे बात कर रही है यहाँ बैठ के चुपचाप? है भाई ठीक है और कर रही है. देखो देखो बिजनेस डील हो रही है, किसी को भी बुला रखा शायद. कौन था? मम्मी से? क्या पता चाचा भी खाना का काम खोल दिया. हमारे यहाँ कोई चाचा नहीं है. क्या पता तेरे चाचा ने भी खाने का काम खोल दिया. नहीं है पर तेरे को पीना, मैंने ले रखा है. कितना चीप है यार, थोड़ा सा क्या, एक घूट पी लिया किसको मौत आ गई. एक घूट है देख लो उसका, खत्म कर दिया. इतनी एक घूट तो अभी बचा हुआ उसमें, इतना था. अच्छा तू नहीं खा रहा, घूटा मारते पीस को ले. अभी तूने खुद बोला कि तूने कॉफी खत्म कर दी इसलिए. नहीं ऐसा मिक्स कर सकते हो, तुम्हें दस दस तो होगी ना जब पता लगेगा. ये बहुत मीन है ये, मेरे मतलब कॉफी इतनी इतनी पी जाता है, आधी आधी खत्म कर देता है. मैंने आज का पहली बार क्या पी लिया इसको, उसकी वो हो गई पड़. तो भाई कल इसका कुछ एक्सीडेंट होते होते बचा है. एक्सीडेंट नहीं होता मतलब गाड़ी तो थूकती तो तू भी जाता ना कहीं ना कहीं. नहीं ना तो बच गई ना वो, तो मेरी तो धुआं है ना. मैं कल, आपको पता है कि मैं पापा को छोड़ने गया था रेलवे स्टेशन, तो वहाँ से मैं निकला. वो एरिया थोड़ा वैसी है मतलब हाईली डेवलप्ड नहीं है, तो मैं वहाँ से एक रेड लाइट थी. हाँ देख लो ये रेड लाइट है. ये रेड लाइट है, यहाँ मैं था, यहाँ वैगनार वाला था. अच्छा वैगनार थी वो, ठीक है. अब वो वैगनार वाला 10-20 की स्पीड पे चल रहा है, ठीक है. फिर मैंने भी 10-20 की स्पीड पे चलना चालू करा, उसके पीछे थोड़ी दूर तक मैं गया, फिर मैंने राइट से ओवरटेक करा. प्लीज मेंशन दिस, राइट से ओवरटेक आपने ओवरटेक करा उसको, ठीक है. मैं उसकी गलती भी नहीं बता रहा, कोई तेरी गलती है. मेरी गलती ऑब्वियसली बात तो क्यों बता रहा है फिर. तो मेन दिक्कत ये थी ना, मेरे को गड्ढा नहीं दिखा. मैं तेरे को एक बात बता रहा हूँ, तू तो ऐसे आगे कैमरा लेके पता नहीं क्या मीडिया टीवी में लॉन्च कर देगी इसे. तो ये कल वही हो गया, इसी गाड़ी गड्ढे में घुस गई और धुम-धुम हो गई और बंपर भी टूट गया. तो वो चल नहीं सकती गाड़ी. नहीं घर नहीं आई फिर. अच्छा हाँ घर भी बंपर नहीं टूटा, मतलब उसका पेंट निकले क्योंकि फाइबर है. अब ये फाइबर का इतना बड़ा दुश्मन है कि उसे नया बम्पर लगवाना है, इसलिए फाइबर अभी ABS को भी बम्पर लगाएगा. अभी फाइबर का दुश्मन है ये, अब फाइबर की इतनी बुराइयां करेगा ना, मैं बता रही हूँ इंसान को. एक हफ्ते में बस लुक के लिए बहुत अच्छा होता है अगर तुम ध्यान से चलाओ तो. ध्यान से चलाओ ना, आप ओवरटेक क्यों कर रहे हो. लाइक है ही नहीं, लगती रहती है. इंडिया में हर किसी गाड़ी टूटती है. मेरे पास एक गाड़ी आ जाना भगवान, स्कूटी भी टूट जाती है. कहाँ टूटी, एक ही बार टूटी वो आरबी वर्ल्डिंग की वजह से. मेरे पास गाड़ी आ जाना तब मैं सोचूंगी गाड़ी क्या होती है. भगवान जी इस साल गाड़ी दिला दो. तू खड़े होगी, तूने खड़े होगी एक एम्बिएंट लाइट लगवा ली ना, वही बहुत बड़ी चीज मान लूंगा मैं. इसके बाद सुनना चाहती हूँ. तो मैंने गाइस ऐसा सोचा है कि मैं अपनी गाड़ी का मतलब आगे से थोड़ा लुक चेंज कर लूँगा, क्योंकि इस बम्पर में मेरे ऑलरेडी बहुत सारे पैसे जा चुके हैं, ठीक है. तो पहले मैं कराऊंगा बम्पर चेंज, ठीक है. उसके ना इधर देखना, पहले कराऊंगा बम्पर चेंज, उसके बाद ये गाड़ी हम दे देंगे उसको. किसको? डैडी को. अच्छा ठीक है, डैडी डैडी है. पता नहीं इसके डैडी ने कब काम खोल लिया ये वाला. फिर गाड़ी उठा के दे देंगे, ठीक है. ओके बस वेरी चीप प्लान. हंस क्या रहा है. ये वाली अच्छी है, चादर डिसाइड करवा. ये अच्छी नहीं लग रही, ये भी सुंदर. अबे एक तो ये करी दो, 6 की भी दिखा दो यार. 4x6 वाला बेड तुम्हारा, हमारा 3x6 का है. मेरा मैं तो 3x6 में फिटा देती हूं. करवट लेते हैं नीचे. कैसे बैठा है ये, तू पागल है क्या? प्लीज ऐसे मत बैठा कर, मेरे को बहुत अजीब लग रहा है. पैर मेरी मर्जी है. तो ये डन कर दो. अब तू बता, एक टॉप शीट. टॉप शीट मतलब ओढ़ने की चादर जो होती है, तो मना कर रहा है ना. ये भी अच्छी है, ब्लू वाली भी अच्छी है. ये चादर नहीं है, ये टॉप शीट है ओढ़ने के लिए. ठंड गर्मी नहीं लगेगी, लग रही है ना. को बेस्ट पीस दिखा दो मेरे अकॉर्डिंग, इसको तो बाद में दिखाना.
तू कचरा छपरी तमीज से बात कर मेरे से। ओके ओके भैया, अच्छा तो मेरे को ये लग रहा है ब्लू वाला है ना, हम पहले दिखाते हैं। बल्कि अच्छी चीज छुपा के रखनी चाहिए, मैं तो ऐसा मानती हूँ, बेस्ट चीज छुपा के रखो। भाई सब चीज बिकती है, जैसे ये चला गया उसके बाद बेस्ट पीस हुआ है वो दिखाएंगे, वो चला गया उसके बाद बेस्ट पीस ये हो गया, तो बेस्ट पीस टॉप का फिर ये हुआ ना। अच्छा ये फर्स्ट है सेकंड थर्ड। ओ तो गाइस इसी के साथ ये वाला व्लॉग एंड होता है। अभी फिर से जा रहे हैं हम लोग बैडमिंटन खेलने के लिए, और आज मम्मी भी खेलेगी हमारे साथ। है, मैं खेलोगी? खेलेंगे, खेलने कहाँ देता, अपने खुद को खेलता, हमें तो खेलने देता नहीं है। तो एक डेढ़ बजे जाते हैं खेलने रात में, ताकि रोड वोड खाली हो जाती है। खेलो, ब्रावो को भी ले जाओ, ब्रावो थोड़ी खेलेगा बैडमिंटन। चलो गाइस इसी के साथ ये वाला व्लॉग एंड करते हैं। अब जो आज का बैडमिंटन मैच होगा उसमें वो वाला आएगा कल के व्लॉग में, तो स्टे ट्यून्ड। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।